सब्सक्राइब करें संस्कार टीवी को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। आरंभ काल में चतुरानंद ने जब उन्हें लगा कि ये मेरा चातुर्य विद्या, मेरी उत्पादन की क्षमता, मुझ में मेरा सृजन, मेरी रचना धर्मिता पूर्ण नहीं है, मैं जो कुछ बना रहा हूं वो अधूरा है, अपूर्ण है, वो नश्वर है, क्षण भंगुर है, मुझसे जो सृजन हो रहा है वह सृजन कोई पूर्ण नहीं है। ब्रह्मा को लगा था कि मुझसे जो भी रचना हो रही है उसमें पूरापन नहीं है, अधूरापन है, वो अधूरी सी है, अपूर्ण है। उन्होंने जो सृष्टि बनाई, ये जो जीव रचना की उन्होंने, जड़ पादप वनस्पतियों की, पशु कीट मतंग मीन कुरंग भ्रंग विविध वनस्पतियां और अनेक परिंदे पक्षी समूह, अपनी प्राणियों की रचना देखकर उसमें फिर मनुष्य की भी रचना की, वो संतुष्ट नहीं थे। एक रस का अभाव था, उन्हें लगा कि कोई पूर्ण रचना नहीं कर पाया मैं, व्याकुलता भी थी कुछ। श्री हरि नारायण ने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से उनके भीतर रस संचार किया और उन्हें सत्य का बोध कराया। आरंभिक श्रोताओं में ब्रह्मा भी एक श्रोता मिलते हैं, केवल चतुश्लोकी भागवत, चार श्लोक सुनकर ब्रह्मा रस संपन्न हो गए। उनके भीतर का अधूरापन, कोई उनमें जो एक अल्पता सी थी वो गई और उन्हें याद आया कि मनुष्य एक पूर्ण कृति है और वह श्रवण कर अपने सत्य को प्राप्त हो सकता है, वह पूर्ण हो सकता है। मनुष्य को बोध हो सकता है सुनकर, श्रुति बोध गम्य है, बोध प्रदात्री। ये सुनकर ही बोध होगा, इसलिए ब्रह्मा आनंदित हो गए। इसलिए कोई पहला साधन है ये उपदेश, बहुत पुरानी परंपरा है उपदेश की, ब्रह्मा ने सुना है। भद्रम करने भी सुनयाम देवा, वेद कहता है पहले सुनना होगा, फिर मनन है, निधिध्यासन आदि, श्रवण मंगलम। आज भोर में भी चर्चा हो रही थी, तब कथामृतम तप्त जीवनम, हम अमृत के भाव से यहां आए हैं, अमृत के आकांक्षी हैं हम, अमृत की अभिलाषा उसकी अभिप्सा लेकर हम कुंभ में आए हैं। वह निसंदेह जल के स्पर्श से प्राप्त होगा, पर सच मानिए वो अमृत कथा में ही है, कथा से सहज प्राप्त हो जाएगा। अमृत केवल कुंभ में ही नहीं है, वो दृश्यामृतम, नामामृतम, रूपामृतम, वचनामृतम, कथामृतम, तव कथामृतम तप्त जीवनम। तो जो कवि कहते हैं, जो 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 जानकार हैं, वे कहते हैं जो कलमश हैं, कषाय हैं,
वो श्रवण से दूर होते हैं। एक और बड़ा सच है, पूरी धरती पर जितने प्राणी हैं उन सबको भय है, सबको असुरक्षा की भावना है, सब में अपूर्णता रहती है, अल्पता रहती है। ये अपूर्णता और अल्पता का जो दुख है अथवा जो भय है, जो बिखर जाने और टूट जाने का डर है, खो जाने का जो डर है, जिसे पतंजलि ने अभिनिवेश कहा, उस अभिनिवेश अथवा भय का भंजन केवल कथा करते हैं। अमृत का अर्थ है कि वह सत्ता जिसे पाकर आप अजय अनुभव करें। और ये देह जिसे लेकर हम घूम रहे हैं, इसमें रक्त, मज्जा, मांस, मैद, रुधिर, धातु, त्वच, नख, रोम, नाड़ी, ऊतक, कोशिकाएं, पाचक रस या इसका रंग रूप वर्ण, ये आकृति, चुबुक, हनु, वक्षस्थल, भुजाएं, नेत्र, कपोल, ये सब तो चीजें नश्वर हैं। तो कथा से वो एक अमृत, कथामृतम, जो हमारे कलमश का और भय का भंजन करता है। मनोवैज्ञानिक भी जितने हैं, जितने भी मनोचिकित्सक हैं, जितने भी साइकोथेरेपिस्ट हैं, जब वो काउंसलिंग करते हैं तो कुछ सुनाकर आपके भय को, अल्पता को, अज्ञानता को, आपकी जिद अथवा आपकी हट धर्मिता को अथवा आपके पूर्वाग्रहों को ही तो छीन रहे होते हैं आपसे। इसलिए अमृत प्रदात्री है, भवभंजिका, और यह भयनाशिनी है। अभयता, अभयम सत्व संशुद्धि। तो कोई हमसे पूछे कि कथा का फल क्या है, उसकी फलश्रुति क्या है, तो यह कथा अभयता प्रदात्री है। अभयता, अजेयता, निश्चिंतता, निर्भ्रांतता, निशंकता, कोई शंका नहीं। इसका जो फल है वो निशंकता, फिर कोई शंका नहीं रहेगी। निशंक, निर्भीक, अजेय, इसका फल है अनंतता। तो आप एक अनंत अनुभव करेंगे, अपूर्णता नहीं, और दुख केवल अल्पता में है। दुख वहां रहता है जहां अल्पता है, दुख वहां रहता है जहां अधूरापन है, अपूर्णता है। यह कथा आपके पूर्णत्व का बोध कराएगी, पूर्णत्व का, एकत्व का बोध कराती है। इस कथा की फलश्रुति विराटता की अनुभूति है, अनंतता की अनुभूति है। यह हमारी विकलता पर प्रहार करती है, हमारे पूर्वाग्रहों को धीरे से छीन लेती है। संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।